गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टू लेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर आज हम लाइफस्टाइल के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि आप बिना किसी विशेष डाइटिंग

उसने कहा कि जो लोग जो बड़ी प्लेट लेते हैं वो हमेशा खाने को ज्यादा लेते हैं वो खाने को चूंकि ज्यादा लेते हैं तो वो खाते भी ज्यादा हैं तो अगर आप जो प्लेट है उसकी साइज को कम करते हैं तो आप खाना कम लेंगे अगर खाना कम लेंगे तो आप खाएंगे कम अगर खाना खाएंगे कम तो आपकी बॉडी में अननेसेसरी कैलोरीज नहीं जाएंगी और नहीं जाएंगी तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा अगर आप अपनी प्लेट को श्रिंक करते हैं तो

ये हमेशा जो है ना उनका वेट है वो बैलेंस रहता है और जो भी लोग इंपॉर्टेंट तो इशू जो जो ये भी बात सही है कि आप पोर्शन रिस्ट्रिक्ट अगर करते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी ऑटोमेटिक हैबिट हो जाती है अब हम बात करेंगे एटी ट्वेंटी रूल के बारे में नाउ जब भी हम खाना खाते हैं तो देखिए कि आप अगर एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि जो भी मेरा खाना है मैं 80 खाऊंगा खाऊंगा 20 नहीं इसका मतलब है जितनी मुझे भूख लगी है मैं 80 परसेंट पर रुकना सीखूंगा जहां तक वैज्ञानिक सर्वे का सवाल है साइंस ऐसा मानती है कि अर्बन इंडिया में मोस्ट ऑफ दीपल ओवर ईटिंग और ओवर स्टफिंग की हैबिट में है साइंस ऐसा मानती है कि अगर हम स्टडीज को देखें तो अमेरिकन पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज ट्वेंटी के जो रेसिडेंट्स हैं वो जो भूख है उससे हमेशा ट्वेंटी परसेंट कम खाना खाते हैं और जो ट्वेंटी परसेंट खाना खाते हैं उसके लिए उन्होंने एक नाम दिया हुआ है जिसे कहा जाता है हारा हाची बू हरा हाची भू का मतलब है कि मेरा पेट 80 परसेंट भर गया मैंने खाना खाया मेरा पेट 80 परसेंट भरा मैंने बोला हरा हाची भू मैंने खाना बंद कर दिया जैसे ही मैं खाना बंद कर देता हूं तो मैं 80 परसेंट डाइट लेता हूं तो 80 परसेंट ही कैलोरीज मिलेंगी अगर 80 परसेंट ही कैलोरीज मिलेंगी तो मेरा वेट बैलेंस रहेगा मैं ओबेसिटी So, की तरफ नहीं जाने पाऊंगा। आप एक चीज देखिए जब भी हम खाना खाते हैं चाहे वो घर में खाना खाएं, चाहे पार्टी में है कि जब भी वो eating pause आता है, कि आपने इतना खाना खाया अब आप रुक गए तो जो ईटिंग पॉज है एक आपको रुक जाना चाहिए साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप ईटिंग पॉज को पहचानने लगे और वहीं रुकना चालू कर दें तो आप कैलरी से बच जाएंगे आपको एक्चुअली जैसे ही ईटिंग प्लेट उठा के रख देनी चाहिए लेकिन आपको जो ना किसी भी कन्वर्सेशन में या किसी लोगों से बातों में उसमें जो ना बिजी हो जाना चाहिए सोते आप अननेसेसरी जो कैलोरीज हैं वो अपने बॉडी के अंदर ना भेजें ना ये छोटी चीज है लेकिन इस पर ध्यान दीजिए कि जो भी आप पीने की चीज लेते हैं आप छोटे व्हाइट ग्लास में लेते हैं या पतले स्लिम एंड टाल ग्लास में लेते हैं साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप जो ना लंबे पतले ग्लास में लेते हैं तो आप 25 टू 30 परसेंट जो जूस है सोडा है वाइन है या कोई भी बेवरेज है वो हमेशा कम यूज करते हैं ये ब्राइन वंस की पीएचडी ने एक स्टडी की और उन्होंने बोला कि विजुअली मोर इंपॉर्टेंट जो विजुअल क्यूज हैं वो आपको इंडिकेट करते हैं कि आप कम कंज्यूम करेंगे या ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो जो वाइट ग्लास है वो छोटा जरूर है लेकिन आप लिक्विड हमेशा ज्यादा लेते हैं तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप that, कि आप आप एंड लंबे ग्लास में लें इट इज नॉट दैट कंफ्यूज कंफ्यूज होते होते हैं 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 इवन एक्सपीरियंस जो वार वो भी होते हैं इस दोनों के बारे में तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर थिन एंड जो ना स्लिम एंड टाल ग्लास क्योंकि इसमें आपको कम जो है ना मटेरियल जाएगा और कैलोरीज आपको कम जाएंगी जहां तक अल्कोहल का सवाल है देर आर टू थ्री रूल्स विच यू नीट टू रिमेंबर वन दैट यू शुड नॉट ओवर ड्रिंक सेकेंड इज दैट जो हैं दे आर टू ड्रिंक्स फॉर मेल्स एंड वन ड्रिंक फॉर फीमेल्स पर डे नाउ जब भी आप ड्रिंक करते हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आपने एक ड्रिंक लिया आपको अगर दूसरा ड्रिंक लेना है तो आपको बीच में एक्चुअली एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज लेने की आदत डालनी चाहिए वो भले ही पानी हो या कोई जूस हो कुछ भी आप ले लें लेकिन आपको एक पैग लेने के बाद आपको कुछ नॉन अल्कोहलिक बेवरेज लेना चाहिए ताकि अननेसेसरी कैलोरीज जो आपको नेक्स्ट पैग में जाने वाली हैं वो बचाई जा सके इसका मतलब यह है कि आपको अल्कोहल कम करने की जरूरत है एक्चुअली जब आप अल्कोहल लेते हैं तो एक तो अल्कोहल में कैलोरीज ज्यादा होती हैं जैसे आप देखे हैं कि अल्कोहल में सेवन कैलोरीज हैं जबकि कार्बोहाइड्रेट में चार या प्रोटीन में चार हैं नंबर दो जब आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या पी लेते हैं तो एक्चुअली आप माइंडलेस ईटिंग में चले जाते हैं आप चिप्स खाते हैं नट्स खाते हैं डीप फ्राइड फ्राइड आइटम्स खाते हैं तो जो माइंडलेस ईटिंग है ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत कैलोरीज को पंप कर देती है नाउ आपको शुगर पे ध्यान देने की जरूरत है यू नीड टू सिप स्मार्ट आप देखिए एक कोल्ड ड्रिंक का अगर आप पीते हैं तो एक्चुअली इसमें दस चम्मच शुगर है ये जो दस चम्मच शुगर है आप समझिए कि कितनी कैलोरीज आपके उसमें चली जाती हैं आप अन, अनकॉन्शियसली अगर दिन में आई मीन अनकॉन्शियसली आप दिन में चार भी कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं तो कितनी कैलरीज एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में चली जाती हैं तो इसलिए आपको जो शुगर है इस तरह की अवॉइड करने की जरूरत है पर टेस्ट आपको लेमन मिल्ट इन चीजों को यूज करना चाहिए जिससे फ्लेवर्स मिल जाए समहा साइंस ऐसा मानती है कि ये जो सोडा बेस्ड जितनी चीजें हैं इनमें शुगर जो होती है वो समाव हमारी इंटेस्टिन में पहुंच के जो बॉडी के नॉर्मल मैकेब्जॉर्ब इनको समहा बाईपास कर जाती है बाईपास करके सीधा ब्लड में चली जाती है क्यों बाईपास करती है क्यों जो है ना ये नॉर्मल फुलनेस क्यूज को अवॉइड कर जाती है दिस साइंस डज नॉट नो बट ये बात सही है सोडा बेस्ड जितने भी शुगर हैं वो इमीडिएटली आपके जो है ना ब्लड में चली जाती है नौ अगर आपको चुविंगम की आदत है तो साइंस ऐसा मानती है कि दैट इट बेसिकली ये आपको बिजी रखती है शाम के समय अगर आपने मुंह में चुविंगम डाली तो ये बेसिकली आपको बिजी रखेगी ये बिजी रखेगी तो आप अननेसेसरी जो है चीजों को आपके मुंह में नहीं डालेंगे नहीं खाएंगे तो ड्यूरिंग जो है ना इवनिंग आर, आपको एक्चुअली मुंह में चुविंगम रखना चाहिए अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको मुंह में चुविंगम रखना चाहिए ऐसा भी माना जाता है कि जो आप बिग फ्लेवर की चुविंगम्स खाते हैं और जो आपके मुंह में होती हैं तो एक्चुअली ये आपका जो टेस्ट बर्ड्स को ऐसे सेंसिटाइज या डिसेंसिटाइज करती हैं कि जो आप बाद में खाना खाने वाले हैं या जो भी खाते हैं तो उनका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं रह जाता है इसलिए जो आप चुविंगम यूज करते हैं तो वास्तव में ये आपके वेट को बैलेंस करने में मदद करती है अगर आप ग्रीन टी यूज ग्रीन टी एक्चुअली इसमें कैचिसंस होते हैं इसमें कैफीन भी होता है इन बेसिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम साइंसा मानती है कि आप रेगुलरली अगर ग्रीन टी लेते हैं तो आपके वेट को ये कंट्रोल करने में मदद करती है ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है आपकी एपिटाइट को सप्रेस करती है आपकी अलर्टनेस को बेटर रखती है ये आपकी माइंडफुल ईटिंग को बढ़ाती है और ओवरऑल आप अननेसेसरी कैलरीज नहीं लेते हैं तो आपका जो वेट है वो बेसिकली मेंटेन रहता है Now, इसके अलावा एक मनोविज्ञान ठीक करने की जरूरत है अगर मैं मोटा हूं और मुझे दुबला होना है, और अगर मेरे दिमाग में वो एक

या घर का काम 30 मिनट या गार्डनिंग 20 मिनट ये ऑलमोस्ट द सिमिलर लेवल कि आपकी जो कैलोरीज उसको बर्न करके चलेगी एंड आपको जो बॉडी है वो बैलेंस करके चलेगी योगा हमारा जो देश है इसमें बहुत रेगुलरली किया जाता है योगा इस वन ऑफ द अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन ने कहा कि वुमन जो योगा करती हैं दे टेंड टू लूज वेट एंड देवली स्टे स्लिम एक्चुअली योगा हमारी जो माइंडफुल अप्रोच टू ईटिंग उसको प्रमोट करता है योगा हमारे हार्मोनल बैलेंस को बेटर करता है जो योगा हमें काम कर, कर, करता है या शांत करके रखता है इसलिए हम जो एक अननेसेसरी जो ओवर ईटिंग की जो टेंडेंसी है उसको नहीं कर पाते हैं नाउ अगर ये सब आपने चीजें की और उसके चलते आपका वेट बैलेंस्ड है या वेट थोड़ा सा कम हुआ है तो उसको छोटी छोटी चीज़ों से आपको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है भले ही वो नेल पॉलिश जैसे लगाने चीज हो अगर आप उसको सेलिब्रेट करते हैं तो उससे कुछ चीज़ें होती हैं इससे आपका मूड बेटर होता है आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है यह आपके जो रिजॉल्व को और बेटर करता है कि अगर मैं लाइफ में ये छोटे छोटे चेंज करूंगा तो मेरा जो वेट है वो बैलेंस्ड रहेगा अगर मेरा वेट, वेट बैलेंस्ड रहेगा तो मैं हेल्दी भी रहूंगा मैं दिखूंगा भी ठीक एंड मेरी एक एनर्जी का लेवल भी बेटर होगा एंड ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप जो पॉजिटिव थॉट देंगी ये आपके मूड को अपबीट रहेगी और अब वो अपबीट रखेगी तो आपका एक रिजॉल्व हमेशा बेटर रहेगा अगर आप समझते हैं कि ये जानकारी इंटरेस्टिंग है आप पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए थैंक यू वेरी मच